press the bell icon on our YouTube app and never miss another video from SpotboyE. It's been fun up till now. बहुत ज़्यादा मज़ेदार रही है. हमने काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो हम शायद एक्सपेक्ट नहीं, हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि हम ऐसा डांस कर सकते हैं. मैंने इनको उठाया है जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती थी. एक ही एपिसोड में उठाया, बाकी मैं उठा रहा हूँ जगह. नहीं, फिर भी उठाया तो ना, एक में भी उठाया तो उठाया, तुम्हें उठाया. एंड बहुत मस्ती मजाक किया है. एंड हाँ, आई थिंक मेरे लिए तो बहुत मस्ती रही है, डिफिकल्ट इनके लिए बहुत रही है. हाँ, और अभी तो विद एवरी डे और ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है. हाँ, क्योंकि शो का शूट भी चल रहा है और नच बलिए का रिहर्सल भी चल रहा है, शूट भी है, तो बहुत कम टाइम मिलता है आराम करने के लिए, सोने के लिए. इनका रूटीन, ये सुबह उठ रहे हैं आई थिंक 6 बजे 7 बजे उठते हैं, 8 बजे घर से निकलते हैं, बिकॉज इनका सेट पवई में है तो इनको 2 घंटे लगते हैं. देन ही रीचेस हिज सेट और फिर रात को 10 बजे पैकअप करते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर हम इनको यहाँ पे डांस से बम्बार्ड कर देते हैं. एंड सुबह 3 बजे तक रिहर्सल करते हैं, फिर यहाँ से घर पहुँचते हैं, 4 बजे घर पहुँचते हैं, फिर सोते हैं, फिर सुबह 7 बजे उठते हैं. या तो इनका ये रूटीन है, ये रूटीन है, ऐसे नहीं कि एक दो दिन, पिछले कुछ दिनों से इनका ये रूटीन चल रहा है. 2 महीने से आई थिंक ये शेड्यूल चल रहा है, जब से नच बलिए स्टार्ट हुआ तब से. लेकिन मज़ा भी आ रहा है साथ में, क्योंकि डांस एक ऐसी चीज़ है जो हम दोनों को बहुत पसंद है, और साथ में डांस कर रहे हैं तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है. थोड़ी बहुत तकलीफें हैं, हैक्टिक शेड्यूल है, छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं, बट मज़ा आ रहा है. दीपिका, ये मुझे मौका भी नहीं देता. नहीं, नहीं मुझे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ. ये बहुत, ये मुझे मौका भी नहीं देता बोलने का, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल विल अग्री विथ मी कि इनकी इनका जिस तरह का बिल्ड है, इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ जिस तरह का डांस ये करते हैं, वो करना बहुत मुश्किल है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. एंड मुझे और मेरी पूरी टीम को ये लगता है कि व्हेन ही परफॉर्म्स, तो फिर इनके सामने मैं भी नहीं दिखाई देती. इट इज़ दैट. तो ये, वो ये नहीं मानेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड बॉय, बट इट्स अ फैक्ट. एंड द सेकंड थिंग इज, अच्छा बोलो. नहीं बोलो. नहीं, सबसे अहम चीज़ ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इनको मैच करने के लिए. ठीक है ना, लेकिन मेहनत करके सामने जो फाइनल प्रोडक्ट दिखता है वो तो एकदम सुपर होता है ना. हर काम के पीछे मेहनत लगती है. फिर वो मेरी बात अलग है. एग्जैक्टली. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, जब हमने नच बलिए साइन किया था तो हमारा सबसे पहले हम लोग यही बात करते थे कि दीपिका कोई बात नहीं, आराम से 3-4 हफ्ते जब तक रहेंगे इंजॉय करेंगे, 4 साल के बाद हम एक साथ काम करेंगे साथ में और डांस करेंगे जो हम दोनों को पसंद है, 1 महीना इंजॉय करेंगे, उसके बाद निकलते हैं तो निकल जाए. लेकिन सबके प्यार की वजह से, दोस्तों के, फैंस के प्यार की वजह से, आज हम लोग, हमने 8वां हफ्ता कंप्लीट कर लिया है, अब 9th एपिसोड है, तो मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इतना सोचा नहीं था इतने आगे जाएंगे, लेकिन आ गए हैं, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. और रही बात रियलिटी की, तो रियलिटी है तो रियलिटी है. हमारा एक्ट जो इस वीक का है था, वो बहुत ही खूबसूरत एक्ट था. तो वो एक्ट करने के बाद हम दोनों एनी विच वेज थोड़े इमोशनल थे, और मैं तो थोड़ी ओवर इमोशनल हो ही जाती हूं. प्यार की कहानी थी. हाँ. था कि हर कपल को अपनी अपनी लव स्टोरी जाहिर करनी थी, बतानी थी. तो हमें लगा था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें अपनी लव स्टोरी सबके सामने लाने के लिए, और मुझे लगा था कि मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इनकी शिकायतें मिटाने के लिए, क्योंकि ये बहुत शिकायत करती थी कि तुमने ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया, ये नहीं किया. तो मैंने कहा ठीक है, चलो ये मौका है, दस्तूर भी है, कर दो. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. चलो मेरे साथ रह के इतने सालों में कुछ तो सीखा. ये मुझे हमेशा बोलता था कि देखो मेरे लिए सरप्राइजेस ना कभी वर्क नहीं करते, तुम्हें जो चाहिए होता है मुझे बता दो. अब तुम सरप्राइज दे चुके हो तो अब फ्यूचर में ये बहाना भी नहीं चलेगा. हाँ, दे दिया, लेकिन उसके बाद तो और दे सकते हो तुम. फंस भी गया हूँ मैं. हाँ, एग्जैक्टली. अभी तो नेशनल टेलीविजन पे प्रपोज कर दिया. एग्जैक्टली. तो अभी तो देयर इज नो ऑप्शन व्हाटसोएवर. अभी अभी यही जिंदगी भर गले पड़ी रहेगी, यही जिंदगी भर जान खाएगी मेरी. नहीं, सही बताया तो बिल्कुल, मैंने अभी बिल्कुल प्लानिंग नहीं की. हाँ, इनकी कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है. शादी कब होगी मुझे पता है कि हाँ इंशाल्लाह दिसंबर, इस ईयर के एंड में, दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर जैन फेब में होगी.
अभी कैसे होगी, कहाँ होगी, किस तरह से होगी, वो अभी नहीं सोचा क्योंकि टाइम ही नहीं मेरे पास सोचने के लिए अभी वो, और वो डिपार्टमेंट जरा यहाँ है। हाँ, वो डिपार्टमेंट, लेडीज डिपार्टमेंट हम लोग डिसाइड करेंगे। वो अभी प्लानिंग चल ही रही है, इट विल ईदर बी भोपाल और इट विल बी समवेयर एल्स और हियर, वो अभी बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया है। नहीं, मुझे इतना ड्रीम हस्बैंड मिल गया बहुत है। इसके कोई अरमान नहीं रहते, इसको तो मतलब बहुत अलग, हाँ सीरियसली बहुत अलग है ये, इसको कोई इसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है कि उसे ये करना है, वो करना है, ये पहनना है, कुछ नहीं। सिंपल से इसको, इसके लिए इमोशंस बहुत मायने रखते हैं। अगर आप सपोज़ इसको भी रिंग पहनाई मैंने उसमें नच बलिए में जब प्रपोज़ किया इसको, तो अगर आप उसमें कागज़ की रिंग बना के भी उसको पहना देना तो उसके चेहरे पे वही इमोशंस होते जो, तो इसको इन सब चीज़ों से परवाह नहीं है इसको। आई एम नॉट मटीरियलिस्टिक, करेक्ट, क्या बात है शोएब, है ना, है ना, इतनी तारीफ। मी 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 ये भी ऐसा, है ऐसा नहीं है, हाँ, इंस्टॉलमेंट्स में निकलता है ऐसे, फिर वो एक ही दिन पूरा निकल जाएगा, फिर छह महीने तक टेंशन नहीं है ऐसा वाला। हाँ, फिर ऐसे ही बोलता हूँ कि अभी किया ना, एक महीना हो गया ना, अभी चुपचाप रहो। अब ये नच बलिए में जो कर दिया वो पता नहीं मुझे कितने समय तक चलाना पड़ेगा। आई वुड लव टू, ये पागल हो जाएगा। पता नहीं, देखो एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि डांस के अलावा अब हम साथ में एक्टिंग तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं कभी उसके सामने कभी कभी हम लोग कभी कभी हम लोग घर में डब स्मैश बनाते हैं, तो जैसा कि सब देखते भी होंगे, तो डब स्मैश तो चलो ठीक है निकल जाते हैं, क्यों फनी होते हैं, आपको लिपसिंग करनी है या वो करनी है, कभी कभी निकल जाते हैं। लेकिन एक बार आई थिंक हम लोग को एक सीन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, लेकिन मैं करना चाहूंगी, मैं कर लूंगी, मैं एक रोमांटिक शो इसके साथ करना चाहूंगी। नहीं पता नहीं, फिर मैं करना मैं भी चाहूंगा लेकिन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो पता नहीं अभी। डिफिकल्ट पहले भी था फर्स्ट एपिसोड से, क्योंकि हम दोनों के लिए, खासकर मेरे लिए, ये तो फिर भी डांस करती रहा करती थी, मैंने कभी ऐसे लाइव ऑन स्टेज आज तक लाइफ में कभी परफॉर्म नहीं किया इतने बड़े स्टेज पे। तो आई थिंक पहला एपिसोड जब हम लोग हमारा परफॉर्मेंस था तो हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे। फिर एक परफॉर्मेंस हो गया, चलो रिलैक्स हो गए, नेक्स्ट डे से दूसरा स्टार्ट, फिर तीसरा स्टार्ट, तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक नया चैलेंज आता रहा है। जिस तरह के डांस हमने नहीं किए, फॉर्म नहीं किए, लिफ्ट हमने कभी नहीं किए, वो भी किए हैं, तो डिफ़िकल्ट पहले भी था आज भी है। बस हाँ ये है कि पहले 10 थे अभी 4 हैं, अभी वाइल्ड कार्ड भी आ गए हैं, ट्रॉफी जो फिनारे है वो थोड़ा नज़दीक है, थोड़ी सी लालच भी है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए फ्रेंकली बोले तो ऑफिशियली प्रपोज तो किसी की तरफ से नहीं हुआ था, वो अभी हुआ है। और जब हम लोग साथ में शो कर रहे थे तो उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो था, कभी कहते ना कि आप बोल नहीं पाते लेकिन समझ में आता है कि हाँ ऐसा था। फिर जब मैंने शो लास्ट मेरा शो जब मैंने छोड़ दिया था तो, और ये शो कर रही थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, कुछ तो मिसिंग है। तो ऐसे ही करते करते वहाँ से फिर कनेक्शन जो है वो शुरू हुआ, एंड वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये कुछ ज़्यादा है, एंड या आई थिंक देन इट जस्ट हैपेंड। मतलब हमारा, अगर आपको ऐसे बोलो कि प्रपोज किसने किया तो वो नहीं, हमारी लव स्टोरी वो मतलब वो ऐसी क्यूटी सी ऐसी नहीं रही है, वी ऑलवेज बिन ऑन द मैच्योर्ड साइड, सो कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं है, वी अंडरस्टूड दैट ओके नाउ वी हैव गॉन अप टू द नेक्स्ट लेवल। जिस तरह से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे थे एंड पेरेंट्स के साथ जिस तरह का रैपो था, उससे बहुत क्लियरली विजिबल था कि इट्स नाउ नॉट जस्ट फ्रेंड्स। सो एंड पेरेंट्स आई थिंक वेरी ओपन हार्टेडली, दोनों पेरेंट्स का बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन था। अम्मी तो मेरी हमेशा फेवरेट रही हैं और मैं उनकी हमेशा फेवरेट रही हूँ, वो अभी इनको नहीं पसंद करती, मुझे करती। तो हाँ आई थिंक एवरीथिंग इज बिन फॉलन इन टू प्लेस फ्रॉम डे वन। हाँ, और जब उनको पता चला था, जब मैंने बताया था, तो अम्मी पापा का दोनों का रिएक्शन था कि तुम लोग खुश हो। मैंने कहा वो तो भाग लगे दुनिया, क्या फ़र्क पड़ता है ना, तुम लोग को ज़िंदगी बितानी है, तुम साथ में खुश हो, एक दूसरे को पसंद हो। हाँ ठीक है, आज मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स को, दीपिका के पेरेंट्स को, कि हम दोनों को समझा, हमारे प्यार को समझा, हमारी सिचुएशन को समझा और हमें एक्सेप्ट किया। हाँ, स्पेशली शोएब के पेरेंट्स को मैं एक बहुत स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ, एंड सबा को भी, आई लव हर। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि
वाकई में आप सब लोग जैसे हमारे हर परफॉर्मेंस के बाद फीडबैक देते हैं, पसंद आता है या अगले हफ्ते आप कुछ ऐसा ट्राई करो, कई बार आप ये भी सजेस्ट करते हैं, वो बहुत मोटिवेशनल लगता है. इनफैक्ट दैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर अस, क्योंकि अगले हफ्ते की फिर जब हम तैयारी करते हैं तो हमें जितना भी जोश मिलता है वो आपके कमेंट्स की वजह से मिलता है. जोश मिलता है और ज़्यादा उस वक्त फिर ये ध्यान में हमारे रहता है कि ठीक है नच पली में हैं हम लोग, कॉम्पिटिशन है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा मतलब हमारे दिमाग में रहता है कि अब हमें ऐसा परफॉर्मेंस देना है कि आप लोग हमसे निराश ना हो पाए, क्योंकि आप लोगों की भी एक्सपेक्टेशन है. हर हफ्ते आप टेलीविज़न खोल के बैठते हैं हम लोग को देखने के लिए, बाकी लोग को देखने के लिए, तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पे हम खड़े उतरे नहीं उतरे हर हफ्ते, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और फिर उसके बाद जिस तरह से जैसे दीपिका ने बोला, आपके फीडबैक, आपका आपका जो प्यार है, आपके बहुत सारे वोट्स भी मिल रहे हैं, और जितने भी सारे ढेर सारे फैन क्लब्स हैं इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, वो सब हम चेक करते हैं. इसका ये थोड़ी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है घर के कामों में भी यहाँ पे, लेकिन मैं सब चेक करता हूँ, हर एक के डायरेक्ट मैसेज में चेक करता हूँ ट्विटर पे, और सबको पता है कि मैं भी चेक करती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती बस. हाँ, और सबको पता है कि मैं रिप्लाई भी करता हूँ पूरा, और कभी कभी कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए इतने सारे लोगों को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए सॉरी और बुरा मत मानिएगा. और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए. प्लीज़ 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 ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं, हम क्या कोई भी कुछ भी नहीं. जब तक आप लोग हमें ऐसे प्यार नहीं करते रहेंगे हम आगे नहीं जा पाएंगे, और अब तक जहाँ पे आए हैं वो आपके प्यार की वजह से आए हैं, तो आपका प्यार ऐसे ही चाहिए, आपका साथ ऐसे ही चाहिए.